दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा को मंत्रालय से हटाना अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आए दिन कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा अपने आरोपों के साथ साथ सारे सबूत भी तमाम सरकारी एजेंसियों को सौंपते नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने सोमवार को जहां दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर कई दस्तावेज साझा किए, तो वहीं आज कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में हो रही गड़बड़ियों को लेकर उपराज्यपाल से मांग की है कि वह दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में हो रही गड़बड़ियों पर सीधा हस्तक्षेप करें। कपिल ने पत्र के जरिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग में जो दवाइयां और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में तमाम दस्तावेज गायब न हो सके और जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा मिल सके, इसी को लेकर उपराज्यपाल इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे हस्तक्षेप करें। इसके साथ ही कपिल ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए पत्र में लिखा है कि दवाइयों को लेकर के जो गड़बड़ी दिल्ली सरकार ने की है उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका अहम है। अरविंद केजरीवाल द्वारा ही तमाम ठेकेदारों की पेमेंट देने का दबाव लगातार किया जा रहा था और दवाइयों का जो घोटाला दिल्ली सरकार में किया गया है उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका अहम है। इसके साथ ही पत्र के जरिए कपिल मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार द्वारा उन तमाम दवाइयों को खरीदा गया जिनकी क्वालिटी काफी खराब थी। फिलहाल कपिल मिश्रा के आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो मामले की जांच कर रही तमाम एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कपिल मिश्रा द्वारा लगाए गए ये तमाम आरोप कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें और बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।